Hello everyone, good morning. Welcome to Baiju's exam prep. Am I audible, visible to you all? Good morning everyone, am I audible, visible? Okay, so let's start the session. The topic of today's session is common parasites and pathogens of domestic animals. Okay? So, good morning, Arpana, Vaibhavi, Biology 020, Dayana, Swastika, Dahalia. Good morning, everyone. Good morning. So, start karte hain aaj ka session, right? Okay, great. So, common parasites and pathogens of domestic animals. Let me introduce myself. I'm your educator, Dr. Farida. फ्री सेशन यूट्यूब पर ट्यूजडे और फ्राइडे को होते हैं मेरे 10:30 AM और एप्लीकेशन पर मेरे फ्री सेशन होते हैं वेनसडे एंड सैटरडे अगेन 10:30 AM. सो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गेट ऑल योर डाउट्स रेक्टिफाइड रिगार्डिंग व्हेन द बैचेस आर स्टार्टिंग एंड रेस्ट व्हाट एवर यू वॉन्ट टू इंक्वायर. आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर दैट इज बायोफिक्स बाय फरीदा. ऐप पर भी बहुत सारे फ्री सेशंस होते हैं सो अगर आपने अभी तक हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो यहाँ पर एक आपको क्यूआर कोड दिया हुआ है यू कैन स्कैन दिस कोड एंड यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन. सो जो फ्री सेशंस मैं आपको बता रही थी दैट इज ऑन वेनसडे एंड सैटरडे वो एप्लीकेशन पर होते हैं सो प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड टेक दोज क्लासेस एज वेल राइट. आज हमारा फ्री वर्कशॉप होने वाला है जिसमें कि डिस्कस किया जाएगा 90 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टू ACSIR नेट जून 2024 एग्जाम. नाउ वी हैव गॉट अ स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि स्टार्ट होने वाला है 30th ऑफ मार्च से 11 AM. कल सैटरडे 30th मार्च 11 AM से स्कॉलरशिप टेस्ट बिगिन होगा एंड इन दिस स्कॉलरशिप टेस्ट लो वॉल्यूम है ओके थोड़ा सा अपने एंड पर मैनेज करो आई विल ट्राई टू स्पीक अ लिटिल लाउडर. और जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें आपको 80% स्कॉलरशिप मिल सकती है सो ट्राई टू अटेंड द स्कॉलरशिप टेस्ट. नाउ दिस इज द टेबल ऑफ द कंटेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक पैरासाइट्स बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोअन हेलमिंथ एंड डोमेस्टिक डिजीजेस एंड देन फाइनली हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स. सो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग कि अकॉर्डिंग टू हैबिटेट ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं. एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स. सो एक्टोपैरासाइट्स द नेम इज वेरी क्लियर कि द पैरासाइट्स लिविंग ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ द होस्ट स्किन या बॉडी सर्फेस ऑफ द होस्ट जैसे कि लाइज है टिक है दे लिव ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. देन आता है एंडो पैरासाइट्स पैरासाइट्स विच लिव इन द बॉडी ऑफ द होस्ट जैसे कि लेशमैनिया एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडस ये हमने लास्ट सेशन में दोनों ही देखे थे ठीक है. सो दीज आर एंडो पैरासाइट्स. देन अकॉर्डिंग टू द पैथोजेनिसिटी पैथोजेनिक पैरासाइट्स जो कि डिजीज कॉज करेंगे नॉन पैथोजेनिक अगर ये अपने फेवरेबल एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो ये नॉन पैथोजेनिक होंगे अगर वहां से ये किसी और एनवायरमेंट में पहुंच जाएंगे तो दे कैन बी पैथोजेनिक. सो यहाँ पर एंटमीबा देन अपॉर्चुनिस्ट पैरासाइट कि अगर बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो डिजीज कॉज करने में केपेबल नहीं होंगे अगर बॉडी की इम्यूनिटी डाउन जाती है तो फिर ये यहाँ पर डिजीज कॉज करने में केपेबल होंगे. सो द एग्जाम्पल फॉर दिस इज न्यूमोसिस्टिक कार्नी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिस्ट पैरासाइट्स. देन अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंस ऑन द होस्ट होस्ट पर ये किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं उसके ऊपर भी इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है. सो परमानेंट पैरासाइट्स एंड टेम्परेरी पैरासाइट्स जो परमानेंट होंगे द पैरासाइट्स डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन द होस्ट फॉर मेटाबोलाइट्स शेल्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन जो पूरी तरह डिपेंड करेंगे होस्ट पर हर ही चीज के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए शेल्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए. दिस पैरासाइट कैन नॉट लिव आउटसाइड इट्स होस्ट और ये अपने होस्ट से बियॉन्ड इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. Then temporary parasites, the parasite is capable of independent existence in addition to the parasitic life. ये parasitic life भी अपनी कुछ समय के लिए spend करते हैं और उसके अलावा भी ये capable होते हैं independent existence के लिए.
देन यहाँ पर आता है होस्ट स्पेसिफिसिटी कि ये कितने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो मोनोजीनस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट स्पीशीज के ऊपर, जो भी उसका होस्ट के साथ इंटरेक्शन है वो सिर्फ एक ही होस्ट के साथ होगा। ऑलिगोजीनस जो होते हैं दे कैन डिपेंड अपॉन मोर देन 2 to 5 होस्ट, और पॉलीजीनस जो होते हैं दे डिपेंड ऑन वेराइटी एंड वेरियस होस्ट जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं या अपना लाइफ का जो भी पार्ट है वो स्पेंड करते हैं। ठीक है, सो मोनोजीनस, ऑलिगोजीनस एंड पॉलीजीनस याद रखना है। ठीक है, देन ऑब्लिगेटिविटी ऑफ द पैरासिटिक लाइफ, ये भी हम देख ले हमने देख लिया है। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो कंपल्सरीली अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होता है होस्ट के ऊपर, अपने रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट के ऊपर, ये अपने होस्ट के बियॉन्ड ये चीजें नहीं कर पाते हैं। सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है वो अपना फ्री लिविंग एक स्टेज भी बताता है, तो वो 100% डिपेंडेंट नहीं होता है होस्ट के ऊपर। देन आता है होमोजीनस लाइफ साइकिल एंड हेट्रोजीनस लाइफ साइकिल, ऐसा पैरासाइट जिसका पूरा लाइफ होस्ट की बॉडी पे ही कंप्लीट हो जाता है, होस्ट में ही उसका डेवलपमेंट होता है, होस्ट में ही वो डिजीज करता है, होस्ट में ही उसकी डेथ हो जाती है। सो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे होमोजीनस लाइफ साइकिल वाला ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक होता है हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस वो ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट पर तो डिपेंड करता है पर अपना कुछ समय होस्ट पर स्पेंड करता है, कुछ समय दूसरे होस्ट पर डिपेंड करता है, और कुछ समय वो अलग अकेला भी स्पेंड कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हो डाई हेट्रोजीनस लाइफ साइकिल। सो डाई हेट्रोजीनस दो होस्ट वाला, डाई हो गया, हेट्रो मतलब दो अलग अलग होस्ट पे हो गया, तो यहाँ पर ये पहले होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर ये दूसरे होस्ट पर डिपेंड कर रहा है, और ई मतलब वो एनवायरमेंट में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। सो यहाँ पर इस तरह से हेट्रोजीनस जो है वो डाई हेट्रोजीनस हो सकते हैं, ट्राई हेट्रोजीनस हो सकते हैं, जो दो से ज्यादा होस्ट, तीन होस्ट पर अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। यहाँ पर डीएच का मतलब होता है डेफिनेटिव होस्ट, यहाँ पर आईएच का मतलब होता है इंटरमीडिएट होस्ट, और ई का मतलब होता है एनवायरमेंट। सो आई होप ये बात सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है। नाउ द करंट क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लैजेलेट पैरासाइट इन डोमेस्टिक एनिमल्स, यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक ऑर्गेनिजम्स के पैरासाइट्स के नेम हैं, सो ये हम देख लेते हैं, इनके नेम देख लेते हैं एंड देन इनसे होने वाली जो डिजीजेस हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट यूक्लिनोजोआ, आपको क्लास और जेनेरा याद नहीं रखना, आपको सॉरी आपको जेनेरा याद रखना है, आपको फाइलम एंड क्लास याद नहीं रखना है। यूक्लिनोजोआ, काइनोप्लेस्टिया, जेनेरा, ट्रिपैनोजोमा एंड लेशमैनिया। ठीक है, सो जब ट्रिपैनोजोमा के बारे में बात होती है सो इट कैन कॉज इक्वाइन यूरिन वेक्टर बोन ट्रिपैनोजोमास इन द डोमेस्टिक एनिमल्स, लेशमैनिया केनाइन लेशमैनियोसिस, फेलाइन लेशमैनियोसिस। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये कॉज कर सकते हैं लेशमैनियासिस। देन आता है ट्राइकोमोनास एंड हिस्टोमोनास, सो ट्राइकोमोनास जेनाइटल ट्राइकोमोनोसिस इन कैटल्स, देन हिस्टोमोनास हिस्टोमोनोसिस ऑफ पोल्ट्री। सो आपको यहाँ पर नाम भी समझ में आ रहे होंगे थोड़े थोड़े कि केनाइन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जो कि फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें केनाइन लेशमैनियोसिस है, फेलाइन लेशमैनियोसिस है, ट्राइकोमोनास जो है वो कैटल में जेनाइटल ट्राइकोमोनासिस कॉज कर रहा है, इंटेस्टाइनल ट्राइकोमोनियासिस इन बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स में और मैमल्स में, देन हिस्टोमोनास जो है जेनेरा वो हिस्टोमोनोसिस ऑफ पोल्ट्री कॉज कर रहा है, देन ट्राइकोमोनास एंटीरियर डाइजेस्टिव ट्राइकोमोनोसिस इन द बर्ड्स कॉज कर सकता है, टेट्रा ट्राइकोमोनास जो है बकल ट्राइकोमोनोसिस इन डॉग्स एंड कैट्स, इंटेस्टाइनल ट्राइकोमोनोसिस इन बर्ड्स एंड मैमल्स, अगेन ये आई थिंक रिपीटेशन है, पेंटा ट्राइकोमोनास इंटेस्टाइनल ट्राइकोमोनोसिस इन द ट्राइकोमोनासिस इन द डोमेस्टिक मैमल्स, देन ट्राइकोमाइटिस इंटेस्टाइनल ट्राइकोमोनोसिस इन डोमेस्टिक मैमल्स, काइलोमास्टिक्स इंटेस्टाइनल ट्राइकोमोनोसिस इन द बर्ड्स, जियार्डिया जियार्डियोसिस इन डोमेस्टिक एनिमल्स। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है इनके नेम और इनसे होने वाली डिजीजेस। पैरासाइट्स ऑफ वेटरनरी इंपॉर्टेंस, जो वेटरनरी इंपॉर्टेंस या जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस देखेंगे।
ठीक है। सो वायरल डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द आर्थ्रोपोड वेक्टर, ठीक है। वायरल डिजीज है, इनका जो वेक्टर है वो आर्थ्रोपोड है और यहाँ पर एनिमल है। सो ये थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे देख लेते हैं। सो वायरस येलो फीवर, ठीक है, येलो फीवर इज कॉज्ड बाय अ वायरस। इसका जो वेक्टर है दैट इज योर मस्कीटो एडीज स्पीशीज। इसको जो खुद कॉज कर रहा है दैट इज अल्फा वायरस, और यहाँ पर जिनमें ये कॉज हो रहा है दैट इज मंकीज ऑफ जंगल टाइप, जो जंगल वाले मंकीज होते हैं उनके अंदर ये कॉज होता है। देन डेंगू फ्लैवी वायरस, देन इसका जो वेक्टर है दैट इज मस्कीटो, किसमें कॉज करता है, नन। सो ये वाला जो यहाँ पर है ये अभी हम कट कर देते हैं। देन काइसेनोर फॉरेस्ट फ्लैवी वायरस कॉज कर रहा है, क्या नाम है डिजीज का, क्या नाम है डिजीज का, दैट इज काइसेनोर फॉरेस्ट। इसका जो वेक्टर है दैट इज अ टिक, एंड देन इट कॉजेज दिस डिजीज इन मंकीज एंड रोडेंट्स। देन रॉस रिवर अल्फा वायरस कॉज कर रहा है, मस्कीटो के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है इन विच ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स। रिफ्ट वैली फीवर बनेया वायरस, वेक्टर है मस्कीटो, इट कॉजेज द डिजीज इन शीप्स कैटल्स एंड कैमल्स। सैंड फ्लाई फीवर बनेया वायरस, वेक्टर है सैंड फ्लाइज एंड एनिमल्स, जिनमें ये कॉज कर रहा है दे आर जर्बल्स। कॉन्गो क्राइमियन हिमोरेजिक फीवर कौन कौन ट्रांसमिट कर रहा है, टिक ट्रांसमिट कर रहा है रोडेंट्स के अंदर। कोलोराडो टिक फीवर, टिक इसे ट्रांसमिट कर रहा है, देन किस में हो रहा है, रोडेंट्स में हो रहा है। देन ला क्रॉसी इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू मस्कीटोज एंड इट अकर्स इन रोडेंट्स, किस में हो रहा है, रोडेंट्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी इलाबोरेट लिस्ट है, थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली याद रखेंगे सो इट कैन बी हेल्पफुल। तो यहाँ पर हमने वायरल डिजीजेस देखी, यहाँ पर अब हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस कॉज बाय द आर्थ्रोपोड वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीजेस हैं, आर्थ्रोपोड वेक्टर्स है, देन उसके बाद वर्टिब्रेट रिजर्वॉयर है, और फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर स्पॉटेड फीवर्स जो है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है आर रिकेट्सी, इससे जो होने वाला डिजीज है उसका नाम है रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर। इसको ट्रांसमिट कर रहा है या इसका जो वेक्टर है दैट इज टिक्स, और किसके अंदर ये कर रहा है, डॉग्स एंड रोडेंट्स के अंदर ये कर रहा है, ठीक है। सो याद रखना। देन आर अकारी रिकेट्शियल पॉक्स, इसका जो आर्थ्रोपोड वेक्टर है दैट इज माइट, वर्टिब्रेट रिजर्वॉयर जो है दैट इज माइस। देन आर कोरो कोनोरी मेडिटेरेनियन स्पॉटेड फीवर, टिक्स के अंदर कॉज कर रहा है, देन उसके बाद वर्टिब्रेट रिजर्वॉयर इसका कौन है, इट इज योर डॉग्स। देन देखते हैं टाइफस आर प्रोबाजिकी आर टाइफी ओरेंटिया, सो एपिडेमिक टाइफस एंडेमिक टाइफस एंड स्क्रब टाइफस। सो बहुत स्पेसिफिकली याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि आर प्रोबाजिकी आर टाइफी ओरेंटिया ये सारी ही चीजें टाइफस कॉज कर रही है। इनका जो वेक्टर है दैट इज लाउस फ्लिया एंड माइट, किसमें कर रही है, ह्यूमन रोडेंट्स एंड अगेन रोडेंट्स, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैंने टिक किया है कोशिश करिएगा कि ये याद रहे। देन पैरासाइट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स में अब हम देखेंगे हेलमेंट्स डिजीजेस, ठीक है, हेलमेंट्स से होने वाली डिजीजेस यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं। फ्लूक जेनेरा इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला जाइगेंटिका, दोनों इंपॉर्टेंट है, रेस्ट हम देख लेते हैं बट नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्लूक स्पीशीज जो है एलेरिया अफेक्टेड एनिमल डॉग्स एंड कैट्स, ऑर्गन अफेक्टेड, अब फ्लूक है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सम और द एरिया ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होगा ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इमीडिएट होस्ट कौन है इसका, स्नेल एंड फ्रॉग, ठीक
ठीक है, देन लैंसेट फ्लूक्स और स्मॉल लिवर फ्लूक्स, एनिमल अफेक्टेड कैटल गोट शीप, ऑर्गन अफेक्टेड बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर, इंटरमीडिएट होस्ट इनमें है स्नेल एंड एंट्स, फेसियोला हिपैटिका दैट इज कॉमन लिवर फ्लूक कैटल शीप एंड गोट, बिलरी डक्ट गॉल ब्लैडर, यहाँ पर ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएट होस्ट एम्फीबियस स्नेल्स, देन फेसियोला जाइगेंटिका जिसे ट्रॉपिकल लिवर फ्लूक भी कहा जाता है कैटल शीप एंड गोट्स में कॉज करता है, ऑर्गन अफेक्टेड बिलियरी डक्ट गॉल ब्लैडर फ्रेश वाटर स्नेल। तो यहाँ पर आपको याद रखने की बात है कि जितने भी यहाँ पर आप फ्लूक स्पीशीज मोस्टली देख रहे हैं वो कैटल शीप एंड गोट को ही अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर आपका लैंसेट फ्लूक्स और स्मॉल लिवर फ्लूक्स, यहाँ पर सॉरी योर पैनक्रियाटिक फ्लूक जो है ये यहाँ पर एक पिग्स के अंदर कॉज कर रहा है, बाकी एलेरिया स्पीशीज जो है वो डॉग्स एंड कैट में कॉज कर रहा है। सो यहाँ पर ये आप इतना छोटा सा पॉइंट याद रख के बाकी सारी चीजें याद रख सकते हैं। देन फेसियोलॉइडस मैग्ना जॉइंट लिवर फ्लू अफेक्टेड एनिमल कैटल शीप एंड गोट, ऑर्गन्स अफेक्टेड लिवर, और कौन इसका इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल। सो स्नेल सारे ही केसेस में एक इंटरमीडिएट होस्ट है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देन यहाँ पर पोल्ट्री में होने वाला दैट इज प्रोस्टो प्रोस्टोगोनी मस स्पीशीज फ्लूक स्पीशीज है, अफेक्टेड ऑर्गन है ओविडक्ट बर्सा ऑफ फेब्रिकस, एंड यहाँ पर इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है दैट इज फ्रेश वाटर स्नेल एंड ड्रैगन फ्लाई। सो याद रखना कि फ्लूक्स का मोस्टली जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसमें तो सभी में स्नेल एटलीस्ट आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं सेस्टोड इन्फेक्ट टू इन्फेक्ट एनिमल स्पीशीज होस्ट ऑर्गन्स एंड अफेक्टेड एरिया, यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अमीबोटीनिया, एनिमल अफेक्टेड पोल्ट्री, ऑर्गन अफेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पर अर्थवॉर्म, एनोप्लोसिफेला एनिमल अफेक्टेड हॉर्स डोंकीज, ऑर्गन अफेक्टेड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इंटरमीडिएट होस्ट ओरिबेटेड माइट्स। ठीक है, देन उसके बाद टीनिया सोलियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एनिमल अफेक्टेड ह्यूमन, ऑर्गन अफेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमंस, एंड इंटरमीडिएट होस्ट पिग्स वाइल्ड बोर्स। ठीक है, देन उसके बाद टीनिया ओविस, ठीक है जब आप सोलियम बोल रहे हो सो इट इज फॉर ह्यूमन, जब टीनिया ओविस आ जाता है तो इट अफेक्ट्स द डॉग्स एंड अदर कैनिन्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, देन टीनिया हाइड्रेटिजिना डॉग्स एंड अदर कैनिड्स। तो ये यहाँ पर जो ह्यूमंस वाला है उसका तो एग्जाम्पल आपको पता ही है, उसका जो अफेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो तो आपको पता ही है, आप डॉग्स एंड अदर कैनिड्स के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ यहाँ पर प्रोटोजोअन डिजीजेस जो है, प्रोटोजोअन डिजीजेस में हम दो मोस्ट इंपोर्टेंटली देखेंगे दैट इज बेबीसिया एंड इमेरिया। ठीक है, सो बेबीसिया जो है बेबीसिया बोविस इन्फेक्ट्स द कैटल, इट इज स्प्रेस्ड स्प्रेड बाय डियर टिक ब्लैक लेगेड टिक, अनदर बेबीसिट इज अ कॉमन पैरासाइट ऑफ कैटल इन अमेरिका कॉजिंग टेक्सस रेड वाटर फीवर, दीज ओवल राउंड ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट एंड थ्राइव इन द ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड अदर टिश्यूज ऑफ द टिक्स, शाइजोगोनी अकर्स इन द टिक्स। सो यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि इनमें क्या होता है, सो शाइजोगोनी अकर्स इन द The infected animals can die within 1 week due to destruction of the erythrocytes. The symptoms include production of red urine, which is caused due to hemolysis of the erythrocytes. तो यहाँ पर hemolysis of erythrocytes की वजह से red urine cause हो रही है. The definitive host is essentially a vertebrate, and the intermediate host is a tick. जब treatment की बात होती है, so treatment में एटोवैक्यून अ ब्रॉड स्पेसिफिकली ड्रग अगेंस्ट दी एपिकॉम्प्लेक्सिन पैरासाइट्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द पैरासाइट, याद रखना। देन इमीडोकार्प इज एन इफेक्टिव एंड मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बेबी सीएसआई दैट कुड ब्रिंग अबाउट कंप्लीट क्लियरिंग ऑफ द पैरासाइट।
सो ये जो जो ड्रग्स हैं, और एंड देन नीरो लिडॉल आल्सो नोन एज पेरुवायोल एज एंटी न्योप्लास्टिक एक्टिविटी. सो ड्रग्स के थोड़े से नाम याद रख सकते हो आप. देन इमीरिया इज अ एंटेरिक कॉक्सीडिया विद ओनली वन सिंगल होस्ट, मोनोजीनस है. दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फीकल ओरल रूट एंड इन्फेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. द पैरासाइट फॉर्म द ऊसाइट विच आर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंट एंड कैन सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम इवन इन द एडवर्स कंडीशन. ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है सल्फा ड्रग्स, एम्प्रोलियम, क्विनोलोन्स एंड लोनो फोर्स, आयोनो फोर्स सॉरी. टू कंट्रोल द इन्फेक्शन एंटीकॉक्सीडियल एजेंट्स मे बी यूज इन द पोल्ट्री फीड. गुड ब्रूडिंग प्रैक्टिसेस आर नीडेड टू लिमिट द रिपीटेड इन्फेक्शंस. दीज इंक्लूड सफिशियंट स्पेस टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग एंड फीडर वाटर फैसिलिटी. ठीक है, सो थोड़ा सा याद रख लेना कि कौन सी मेडिसिन यूज की जा रही है. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. एनिमल्स स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ग्रूमिंग ईच अदर टू रिमूव द पैरासाइट्स. दिस बिहेवियर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड सिविलाइजेशन. कैंगरूज हैव इवॉल्वड अ स्पेशल ग्रूमिंग कॉम व्हिच इज यूज्ड फॉर गेटिंग रिड ऑफ एक्टोपैरासाइट्स लाइक लाइस बग्स फ्रॉम द स्किन. टिक्स मे कंज्यूम 100 टाइम्स ऑफ ब्लड ऑफ देयर बॉडी वेट. They spread Lyme disease, which dogs spread to human beings. ये यहाँ पर कुछ facts हैं जो आपको याद रखना है. Their saliva act as semens for anchoring the host. They do not fly. ठीक है, ticks अपने weight से 100 times blood suck कर सकते हैं, Lyme disease spread कर सकते हैं. They spread Lyme disease, which dog spreads to human. पहले ticks से dog में जाएगा, dog से फिर human में जाएगा. Their saliva acts as semens for the anchoring the host, and then they do not fly directly, they are transmitted. Chimpanzees are known to eat the spiky leaves in order to kill the worms living in their intestine. Spiky leaves जो होती हैं, उनका कुछ content ऐसा होता है जो कि harmful होता है for the worms in their intestine, so they eat these spiky leaves. Then parasitic flatworm of the genus Ribeiroea infect the amphibians. During the tadpole stage, drilling themselves into the tissue that will eventually form into the adult frog legs. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो parasitic flatworm है, genus Ribeiroea का, ये infect करता है tadpole stage में frog को. ठीक है, वहाँ पर रहता है थोड़ी थोड़े समय और यहाँ पर इस तरह से frog के extra leg development करवा देता है. ठीक है, so this was quite interesting. A flea can live more than 100 days without a blood meal. अगर उसका सिर कट कर दिया जाए तो वो 100 days रह सकता है without a blood meal. पहले blood meal मिल जाए, then उसके बाद वो blood meal के बिना रह सकता है. A flea can jump 8 inches high और approximately 150 times its own weight. Then, Cymotoa exigua is a type of parasitic tongue-eating louse that lives in the gills and mouth of the fish. हेड लाइज जो होती है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है, इट मेक्स द होस्ट फील अनवेल. इन ह्यूमन इट इंड्यूसेस द सिम्टम्स लाइक फ्लू. दिस ओरिजिन ऑफ सेइंग आई एम फीलिंग लाउजी, यहाँ से ही वो जो टर्म आई है, जब भी बीमार होते हैं तो उसके लिए कहते हैं आई एम फीलिंग लाउजी. सो वो यहीं से आया है क्योंकि ये जो हेड लाइज है वो फ्लू लाइक सिस्टम सिम्टम्स कॉज करता है. मस्कीटोज आर द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मलेरिया विच हैज टेकन मोर human lives since human first evolved than any other disease. सबसे ज्यादा death mosquitoes से हुई है. ठीक है, clear है? Tell me. ठीक है, then screw worm larvae are reportedly capable of consuming an entire sheep or dog from the inside out in 5 to 7 days. जो screw worm larvae है वो पूरा के पूरा sheep या dog कंज्यूम कर सकता है इन जस्ट अ मैटर ऑफ 7 days. इतनी जल्दी वो डिवाइड करता है. ठीक है, देन यहाँ पर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है. दैट इज मैक्रोचीलस इज अ टाइनी माइट दैट प्लग इटसेल्फ इनटू द एंड ऑफ एन आर्मी एंट्स लेग. एक आर्मी एंट के लेग पर अपने आप को प्लग कर लेता है. देन इट स्टेडिली सक्स द ब्लड एंड यूजेस इट्स ओन लेग्स टू ग्रिप एनी सर्फेस. और किसी भी सर्फेस को ग्रिप करने के लिए वो अब खुद अपना लेग यूज करता है. In other word, the ant continues using the parasite as a perfectly good food.
तो वो पैरासाइट को यूज करता है एज अ फूड, और उसको इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है। ठीक है, यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर पीपीटी ऑन टेलीग्राम, द QR कोड फॉर द टेलीग्राम ग्रुप इज गिवन ओवर हियर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, अगेन दैट इज बायोफिक्स बाय सीधा, राइट। सो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।